हेलो फ्रेंड, दिस इज मनप्रीत. वेलकम बैक टू माय चैनल. यू आर वाचिंग करियर टॉक्स विद मनप्रीत. आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में अगर हम एजुकेशन प्लान करते हैं लाइक बैचलर्स या मास्टर्स, तो क्या बेनिफिशियल होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का ये क्वेरी रहता है या ये मतलब डिस्कशन पॉइंट रहता है कि हम ये प्लान करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बैचलर्स इंडिया से करके मास्टर्स के लिए अब्रॉड स्टडीज़ प्लान करें. रीज़न पेरेंट्स मतलब प्लान करते हैं कि जब तक स्टूडेंट मास्टर्स लेवल पे आते हैं तब उनके अंदर काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी लेवल आ जाता है. वो अपने डिसीजन मेकर बन जाते हैं और अपने स्टडीज़ पे फोकस करके वो इस चीज़ को अच्छे से मतलब इस अब्रॉड स्टडी के ऑप्शन को अच्छे से ऑप्ट कर पाएंगे. राइट, तो ये ऑप्शन भी राइट करेक्ट है. लेकिन फिर भी अगर हम एज अ करियर काउंसलर में आपको एक डिस्कशन पाथवे पे हम अगर चले, तो अगर स्टूडेंट्स बैचलर्स भी अब्रॉड स्टडी से प्लान करते हैं तो वो भी गलत डिसीजन नहीं रहता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल ही रहता है. रीज़न मतलब अगर आप बैचलर्स प्लान करते हो, सबसे पहले तो अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी की बात करें तो सबसे जर्मनी इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन आप इजीली ले सकते हो. वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे ज़ीरो ट्यूशन फीस है, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ को कुछ पे नहीं करना है, तो एजुकेशन आपके लिए ईजी रहता है जर्मनी में. और अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात भी करें तो वो भी अब्रॉड स्टडीज़ में कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि आप 500 यूरोज़ मंथली अपना कॉस्ट निकाल सकते, मतलब लिविंग कॉस्ट अपना आराम से कर सकते हो मैनेज. तो जर्मनी में अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरेज में बताऊं कि आराम से रूम रेंट पे करना और खाने पीने का लिविंग कॉस्ट टोटल ये ही निकालना है, तो मतलब हायर लेवल पे भी लेके चले तो 500 यूरोज़ इज़ इनफ फॉर योर मंथली एक्सपेंस लिविंग कॉस्ट. राइट, मतलब 250 टू 300 या 350 यूरोज़ आपका रूम रेंट रहता है एंड 100 यूरोज़ 150 के अराउंड आप खाने पीने में यूज़ कर लेते हो, तो इट्स इनफ कि आप 500 यूरोज़ में एज अ स्टूडेंट लाइफ आप इजीली अपना लिविंग कॉस्ट निकाल लेते हैं. राइट, ओके, अब बात करते हैं कि इसलिए जर्मनी प्लान किया जाता है क्योंकि एजुकेशन फ्री है और लिविंग कॉस्ट निकालना ईजिली है. सेकेंड, जर्मनी की एजुकेशन बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है. अगर हम एक्सपोजर देखें अपने फील्ड्स में, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च करने को और बहुत अच्छा प्रैक्टिकली उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए मिलता है. राइट, अगर आप सीरियसली अपनी स्टडीज़ को इंजॉय करने के प्लान में हो तो क्वालिटी में फ्री ऑफ एजुकेशन अगर हमें मिल रहा है तो वो जर्मनी में मिल रहा है. राइट, और यहाँ की डिग्रीज़ भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं. आपकी ऐसा नहीं है कि वो डिग्री जर्मनी करके आप जर्मनी में ही सिर्फ रहना चाहते हो, वो आप जर्मनी से स्टडी करके आगे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो बिकॉज आपकी डिग्री टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से होती है और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होती है. सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जर्मनी में ऐसा कुछ रैंक्स हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन रैंक्स का कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स को. कंपनी इंटरव्यूज़ के टाइम पे या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्टडी म्यूनिक की है या आपकी स्टडी एक्स वाई जेड की है तो ये डिफरेंस है. नो, वहाँ पे रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप कितने स्किल्स में कॉन्फिडेंट हो, आप अपने नॉलेज के रिगार्डिंग कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी कितने स्किल्स की नॉलेज है, वो चीज़ें मैटर करती हैं आपको इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए. आपकी स्टडी किस यूनिवर्सिटी से है इससे कोई डिफरेंस नहीं रहता है कि आप अप्लाइड साइंस से हो या आप टेक्निकल से हो या आप टीयू म्यूनिख से, आप एक्स वाई जेड से हो, इट डजंट लाइक दैट. राइट, ओके, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर बैचलर्स या मास्टर्स में हम डिस्कस करें तो बैचलर्स भी अगर स्टूडेंट डिसाइड करते हैं जर्मनी से तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज बैचलर्स करते करते ही आपकी टेक्निकल टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं. आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हो कि आराम से बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप जॉब ऑप्शंस पे जाते हो तो बहुत अच्छे से आपका मतलब इंटरव्यूज क्रैक होते हैं और जॉब ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं. और अगर आप वहाँ पे फिर मास्टर्स काइंड डिग्रीज में भी जाओगे तो वो आपका प्रायोरिटी लेवल और बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब सैलरी पैकेज भी अच्छे से जंप कर लेते हो. राइट, मतलब अगर हम डिस्कस करें जो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे बीटेक कर लिया, वहाँ पे जाके एमबीए काइंड करेंगे ताकि हमारे पास एरिया इंक्रीज़ हो जाए जॉब ऑप्शंस का. मैनेजमेंट काइंड जाना है मोस्टली इंजीनियरिंग करने के बाद या बीकॉम बीबीए करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमें मैनेजमेंट काइंड कोर्सेज में जाना है. तो वो मैनेजमेंट काइंड कोर्सेज के लिए अगर आप अब्रॉड प्लान करते हो वो भी बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज वहाँ पर प्रैक्टिकल ऑप्शन बहुत अच्छे हैं. बट अगर हम बैचलर्स भी अब्रॉड से करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन ही काउंट होता है. राइट, सो इसके रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस
अब हम बात करते हैं कि अगर आप जर्मनी से एमबीए प्लान करते हो तो उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट रहता है, मतलब जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, करेक्ट, लेकिन जर्मनी में अगर हम एमबीए प्लान करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। आप मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ पूरा एक्सप्लेन करके आपको। अगर हम इंडिया में एमबीए करते हैं तो उस एमबीए के अंदर भी हम कुछ स्ट्रीम्स चूज़ करते हैं कि आप एमबीए इन मार्केटिंग में कर रहे हो, एमबीए इन फाइनेंस में कर रहे हो, एमबीए इन अकाउंट्स में कर रहे हो, आपका ये सब पॉइंट्स रहते हैं। और जर्मनी में अगर आपको प्रॉपर एमबीए करना है तो वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है, वो प्राइवेट में ही मिलेगा। उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ता है। अगर आप जर्मनी में, जर्मनी आपको फ्री क्या देता है, वो आपको आपकी स्पेशलाइजेशन की मास्टर डिग्री आपको फ्री देता है। मीन्स जैसे आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो अपना मार्केटिंग में, तो अगर आप मास्टर्स इन मार्केटिंग करोगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन आप एमबीए काइंड में मार्केटिंग करोगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आप जर्मनी में मास्टर्स मार्केटिंग करो, मास्टर्स फाइनेंस करो, मास्टर्स इन मैनेजमेंट करो, मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस करो, मास्टर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट करो, नंबर ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, लेकिन वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एमबीए ही सर्च करोगे तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। अगर हम एवरेज बात करें, अब रफली भी अगर पैकेज देखें तो 30 to 35 लाख तक का आपका एमबीए जाता है जर्मनी में भी। स्टिल इट्स अ बेटर डिसीजन कि अगर आप यूके, यूएस, कनाडा से ज़्यादा प्लान करते हो तो जर्मनी का एमबीए फिर भी आपको थोड़ा चीप ही बैठेगा। या 30 to 35 भी इजी नहीं है अरेंज करना। जर्मनी में अगर आप प्रॉपर प्राइवेट्स में भी एमबीए करते हो तो 1 ईयर का एमबीए रहता है और एवरेज आपका 30 to 35 लाख रहता है। तो कुछ कई जगह पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, लोन ऑप्शंस आ जाते हैं, और इसके लिए आपका जीमेट स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए आपका आइल्स का 6.5 बैंड भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। लेकिन अगर आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट करते हो, मास्टर्स इन मतलब समथिंग स्पेशलाइजेशन करते हो, तो कोई जीमेट नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स ही आपके लिए सफिशेंट हैं उस डिग्री के लिए एंटर होने के लिए। और अगर आप प्रॉपर एमबीए के लिए जाते हो तो आप फ्रेशर्स कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का तो रिक्वायर्ड रहता ही है। अगर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी प्लान करते हो तो एटलीस्ट 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके ही जाएंगे। और अगर हम स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स प्लान करते हो तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। आपका जैसे अभी बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो आप मास्टर्स इन अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी पर कन्फ्यूज होते हैं कि कुछ कंसल्टेंट्स उनको गाइड कर रहे हैं कि आप एमबीए के लिए जा रहे हो, अपना इनरोलमेंट हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको ऑफर लेटर मिल जाता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तब आपको डिफरेंस समझ में आता है कि ये चीज़ें पहले अगर गाइड की जाए तो आपके सामने पिक्चर क्लियर रहती है कि आप अपना फ्यूचर जो प्लान करो उसका प्रॉपर पाथवे ये है। आपके सामने हिडन टर्म्स क्लियर होनी चाहिए सारी। एमबीए और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जर्मनी में ये अलग अलग फील्ड्स आ जाती हैं कि अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स प्लान कर रहे हो तो वो आप जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हो, बिना एक्सपीरियंस के कर सकते हो, ट्यूशन फीस ज़ीरो में कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर एमबीए अगर करना है आपको तो आपको प्राइवेट में मिलेगा, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपको आइल्स भी चाहिए, आपको जीमेट भी चाहिए, मतलब एंट्रेंस टेस्ट भी चाहिए, तो और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम एमबीए प्लान कर रहे हैं या फिर हम मास्टर्स इन स्पेशलाइजेशन कोर्स प्लान कर रहे हैं। और अगर आप सर्च भी करोगे तो यही चीज़ें रहती हैं। एमबीए में आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑलरेडी, मतलब अगर जॉब भी कर रहे हो तो तब भी 12-13 लाख का पैकेज ले रहे हो, और वहाँ पर 30 to 35 लाख के पैकेज पर जाना तो कहीं ना कहीं आपको लोन ऑप्शन या स्कॉलरशिप्स का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। और अगर हम सिंपल ऐसे मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं तो हमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए और ज़्यादा फंड्स भी नहीं चाहिए, ज़ीरो ट्यूशन फीस पे जा रहे हैं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप एमबीए करके या फिर मास्टर्स मैनेजमेंट करने के बाद जॉब ऑप्शंस देखोगे तो उसमें भी डिफरेंस है। यस, आपके फ्यूचर का डिसीजन है तो ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। एमबीए करने के बाद आप अच्छे मैनेजिंग पोस्ट पे जा सकते हो, मास्टर मैनेजमेंट करने के बाद आप कुछ एग्जीक्यूटिव काइंड पोस्ट पे जाते हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, लेकिन विद एन एक्सपीरियंस आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो।
जर्मनी में आगे अगर हम ये चीज़ें देखें तो मतलब लाइफ सेटलमेंट बहुत कंफर्ट लेवल पे है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा रिच लेवल पे नहीं आ सकते। अगर हम देखें तो US वगैरह में तो अगर आपका ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप किसी पोजीशन पे हो तो एकदम से सैलरी पैकेज बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे भी जर्मनी में आपके सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन आपका टैक्स डिडक्शन काफ़ी होता है, लेकिन उस टैक्स डिडक्शन में आप ही को बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत रिच पर्सन प्लेस पे नहीं आ सकते प्रायोरिटी पे, लेकिन कंफर्ट लाइफ आपको आराम से मिलती है। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घर खरीदना है या कार खरीदनी है, ये कुछ ऐसा डर है कि मेरी यहाँ जॉब ना चली जाए। एक बार आपका जॉब सेफ हो गया तो आपका वो जो जॉब वीज़ा है, दैट मीन्स जो आपको ब्लू कार्ड मिला हुआ है, जो वर्क परमिट आपको मिला हुआ है, उस पर आपको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करता है। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल गया तो उस पर आप आराम से 3 to 4 years अपना जर्मनी में वर्क कर सकते हैं। और ब्लू कार्ड के टाइम पे अगर आपका जॉब किसी वजह से आपका जॉब चला भी जाता है, तब भी गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है नया जॉब ढूंढने में, और इन बिटवीन आपको वो फंड्स भी प्रोवाइड करती है। मतलब आपका सैलरी भी कुछ कुछ आता रहता है कि अगर आपका जॉब चला गया तो उस केस में भी। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लाइफ सेट करते हो वहाँ पे तो आपके चिल्ड्रंस का भी पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और वहाँ पे पेरेंटल लीव भी 1 year का मिलता है मदर फादर दोनों को, और उस पूरे 1 year की सैलरी भी आपको मिलती है, और 1 year के बाद आप दोबारा भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन हैं जो किसी भी और कंट्री में नहीं मिलते। जर्मनी में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। मतलब टैक्स डिडक्शन भी है, तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत अच्छा कवर अप पैकेज मिलता है। तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल्ड है अगर आप जर्मनी से अपना बैचलर्स मास्टर्स स्टडी प्लान करते हैं। जर्मनी से अगर आप बैचलर्स प्लान करते हो, बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब सर्च करने के लिए 18 months का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, दैट मीन्स जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। उस 18 months में आप जॉब सर्च कर लेते हो, जैसे ही आपका जॉब लग जाता है वो कंपनी आपका जॉब सीकर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देती है। मतलब उस जॉब कन्फर्म्ड होने से वीज़ा एक्सटेंड आपका वीज़ा अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है, और जब आपका कन्फर्म जॉब वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड पे आप 3-4 years वर्क करते हो, आपको वहाँ का परमानेंट कार्ड मिल जाता है, ग्रीन कार्ड, आप मतलब आपका परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है। जब आपका टैक्स डिडक्शन भी हो रहा है तो आपकी फाइल PR पे आ जाती है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस रहता है कि अगर आप स्टडी स्टार्ट करके PR पे जाते तो बहुत कंफर्ट हो। जर्मनी में बहुत कंफर्ट लाइफ है, चीप एंड बेस्ट है। आप हर चीज़ अपनी हर विश पूरी कर सकते हो, स्टडीज़ भी फ्री हैं, और अपने सारे ड्रीम्स भी फुलफ़िल कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पे टाइम वर्क टाइम लिमिट्स हैं, इतने ही टाइम पे काम करना है, हॉलीडे मीन्स हॉलीडे। तो अगर ऐसी लाइफ कहीं स्पेंड करने को मिल रही तो वो ऑप्शंस क्यों नहीं लेंगे, राइट? सो ये सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं कि बैचलर्स करना चाहिए या मास्टर्स करना चाहिए, या मास्टर्स में कैसे जाना चाहिए, या मास्टर्स के कौन कौन से कोर्सेज ऑप्शंस हैं, या ये कोर्स ऑप्शन या जो भी है उसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। फिर भी स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूजन या क्वेरी है, यू कैन कॉल एट 836-8027-6633। मनप्रीत, थैंक यू।